हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जियो एल। मैं हूं एलेक्स। मैं हूं जॉर्ज। फ्राइडे मिस्ट्री में आज हम जिस ऑन्टेड जगह के बारे में बात करने वाले हैं, उस जगह के नाम कुलदारा गांव है। कुलदारा गांव जो राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जैसलमेर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वहाँ एक ऐसा गाँव भी है जिसके बारे में सोचते ही लोगों का रूह कांप उठता है। आज जगह आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया देखभाल करती है। यहाँ के रहने वाले लोग 200 साल के पहले ही ये जगह छोड़ के गए और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सही सलामत है और लोग अपना जिंदगी काट सकते हैं। लेकिन आज इस गांव में कोई क्यों नहीं रहता, चलो देखते हैं 200 साल पुरानी यह कहानी है। यहाँ के रहने वाले लोग पालीवाल ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं जो अपनी जमीन जायदाद छोड़कर एक रात रहस्यमय तरीके से इस गांव को छोड़कर चले गए और वह कहां जाके बसे या किसी को नहीं पता। अगर आप सोच रहे हो कि इनके साथ क्या हुआ होगा, इन्हें क्यों गांव छोड़कर जाना पड़ा, यह कारण है। इस गांव में एक मुख्यमंत्री था, उसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह जो अपने राजा से भी अधिक शक्तिशाली व अधिकार वाला माना जाता था। उन्हें लोग सलीम सिंह बुलाते हैं, कारण उनका स्वभाव बहुत ही क्रूर था और उनका टैक्स कलेक्शन भी बहुत ही ज्यादा था। वह सेक्स और अदर कामों में भी शामिल था। एक दिन जालिम सिंह राजा की खूबसूरत बेटी से प्यार कर पड़ा। वह उसकी खूबसूरती से इतना आश्चर्यचकित था कि वह राजा से उसकी विवाह के लिए पूछ लिया। पालीवाल ब्राह्मण उस घटना से चकित रह गए और डरने लगे। उनका इतना धैर्य और बल नहीं था कि वह जालिम सिंह के खिलाफ बोल सके। उनके पास और कोई रास्ता न होते, उस गांव छोड़कर उसी रात चले गए। इस कहानी के दो थ्योरी है। लोगों का यह भी मानना है कि उस गांव में सारे लोग मारे गए और उनका आत्मा वही भटक रहा है। दूसरे लोगों का यह मानना है कि उस गांव के लोग उस गांव को श्राप देकर चले गए और उस श्राप के कारण वहां जो भी आपके बस्ती जमाने जाते थे वह रहस्यमय तरीके से मारे जाते थे। इस बात को जानने के लिए दिल्ली के कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट इस जगह पर पूरी रात तैयारी से बैठे थे। 12 घंटे इस जगह पर बिताने के बाद उनके डिवाइसेस कुछ अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे, मानो कोई रहस्यमय शक्तियां हों। वहां लोगों ने एक छाया भी गुजरते हुए देखा और एक व्यक्ति के कंधे पर किसी ने छू कर बुलाया, ऐसा भी उन्हें आभास हुआ, पर वहां आसपास कोई नहीं था। सुनने में थोड़ा फिल्मी टाइप लगता है, पर वहां लोग सारी चीजें एक्सपीरियंस किए हैं। वहां पर लोग यहाँ हजारों में आते हैं और तस्वीरें खींचके जाते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह रात में यहाँ ठहरे। आपको क्या लगता है, ये सारी चीजों पर विश्वास करते हो या फिर ये सब मन का भ्रम है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते फ्राइडे मिस्ट्री पर।